जिनके घर में दुष्ट आत्मा है, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा है तो वो आधे मिनट के लिए, थोड़े से समय के लिए वो प्रकट होगी, वो थोड़ी सी देर के लिए प्रकट होगी, आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए वो प्रकट होगी, आप घबराइएगा मत। जो आपके घर में दुष्ट आत्मा छिपकर बैठी हुई है वो प्रकट होगी। जो आपको जादू टूना खिलाया गया है वो प्रकट होगा। जिनको जादू टूना खिलाया गया है उनको जैसे उल्टी आती है वैसा होगा, और कईयों को उल्टी भी आएगी, जैसे उल्टी आती वैसा होगा, क्योंकि वो प्रकट हो रही है। जो आपको जादू टूना आप पर किया गया है, और रबा बाबा शाह तबारा लबा, और जिनके घरों में दुष्ट आत्मा है, जिनके घरों में दुष्ट आत्मा है वो अभी प्रकट होंगी। बस आधे और एक मिनट रहेंगी, फिर मैं जैसे प्रार्थना करूंगा वो खत्म हो जाएंगी। आप चिंता ना कीजिए, आप घबराइएगा मत, आप किसी बात के लेकर घबराइएगा मत, क्योंकि अभी चंगाई आएगी। आप तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं। आज घर बैठे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं, आप घर बैठे दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हे जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूं, जितने लोग मुझे लाइव देखते हैं, अगर इनके घर में दुष्ट आत्मा है, वो आधे मिनट के लिए, एक मिनट के लिए प्रकट हो जाए। अगर इनके घर में दुष्ट आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रकट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रकट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो प्रकट हो जाए। जो भी दुष्ट आत्मा छिपकर बैठी हुई है, जो भी दुष्ट आत्मा लुक कर बैठी हुई है, जो भी दुष्ट आत्मा दबकर बैठी हुई है, वो प्रकट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभी प्रकट हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। ऐ दुष्ट आत्मा तुझे आग लगे, दुष्ट आत्मा तुझे आग लगे, दुष्ट आत्मा तुझे आग लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आग लगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुझे आग लगे, प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुझे आग लगे। और कई लोग ऐसे हैं जिनको दुष्ट आत्मा को आग लग रही है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा तुम्हें आग लगे, ऐ दुष्ट आत्मा तुम्हें आग लगे, ऐ दुष्ट आत्मा तुम्हें आग लगे। तुम जो इनके बिजनेस में बैठी हुई हो, ऐ दुष्ट आत्मा प्रकट हो जा। तुम जो इनके घर में लड़ाई झगड़ा करवाती हो, ऐ दुष्ट आत्मा प्रकट हो जा। तुम जो इनको नशा करवाती हो, दुष्ट आत्मा प्रकट हो जा। और रब्बा बाबा लाला बाला बाला ला बरा दवारा लब्बा, पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, और दुष्ट आत्मा जल रही है, दुष्ट आत्मा जल रही है, दुष्ट आत्मा जल रही है, दुष्ट आत्मा जल रही है। जो आपके घर में छुपकर बैठी थी, जो आपके घर में दबकर बैठी थी, वो दुष्ट आत्मा को आग लग रही है। जो आपके बिजनेस में बैठी थी, दुष्ट आत्मा वो जल रही है। जो आपकी कमाई को खा रही थी, दुष्ट आत्मा वो जल रही है। जो आपके परिवार के रिश्तों को खा रही थी, वो दुष्ट आत्मा जल रही है। अभी 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 दुष्ट आत्मा को आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही, आग लग रही है। मंगलवार को लाइव प्रार्थना चल रही थी, तब पास्टर जी ने बोला कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो एक मिनट के लिए प्रकट होगी, किसी को डरना नहीं, फिर उल्टी आएगी। तो मुझे उल्टी आई और दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। वहाँ लिखने में थोड़ा सा हुआ है, उन्होंने बुधवार का लिखा है, तो मंगलवार को आप लाइव प्रार्थना सुन रहे थे। हाँ जी। तो जब मैं कह रहा था कि बस एक मिनट के लिए दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, हाँ जी, और फिर प्रकट हुई एक मिनट के बाद, और फिर उल्टियां आने लग गई, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक। और ये भी कहा था कि जिनको जादू टूना किया है वो उल्टी आके निकलेगा बाहर, और फिर एकदम नॉर्मल हो गई। एक मिनट से, एक मिनट में दुष्ट आत्मा प्रकट, उसी समय आपने, हाँ जी, और फिर उल्टियां आने लगी, फिर थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गई, फिर अब मैं ठीक हूँ। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बेटी के लिए। मंगलवार की लाइव प्रार्थना में एकदम पवित्र आत्मा मुझे कहा कि दुष्ट आत्मा कही है, वो अंदर बढ़ के चुपके से बैठी रहती है कि वो प्रकट हो। तो मैंने कहा वो एक मिनट पहले, तो मैंने सोचा अगर ज्यादा समय के लिए प्रकट हुई तो ये घबरा जाएंगे लोग, तो एक मिनट के लिए कहा कि एक मिनट के लिए प्रकट हूं, आप डरिएगा ना, और अभी निकल जाएगी बात जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा। तो जब प्रार्थना की कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा प्रकट हो, तो वो प्रकट हो गई। और ये भी कहा था कि उल्टी के द्वारा जो भी दुष्ट कोई खिलाया पिलाया गया है, जादू टूना किया गया है, वो सब बाहर निकलेगा, और एकदम से दुष्ट आत्मा प्रकट हुई और एक मिनट के अंदर ही इसे छोड़ा और बाहर निकल गई, और उल्टी के द्वारा सब खाया पिलाया जो है वो निकल गया।
परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रिया सोमवार को चर्च में आई थी और मेरे से एक कदम भी चला नहीं जाता था। मेरी मम्मा मुझे हाथ पकड़ कर ले के आई तो उन्होंने मुझे अंदर बिठाया, कहने लगे चर्च में ऊपर जाना पड़ेगा। तो मम्मा कहने लगी आपसे ऊपर नहीं जाया जाएगा। परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी और मैं ऊपर चली गई और ऊपर से नीचे भी आ गई। और मंगलवार को मैंने लाइव प्रेयर सुनी। प्रेयर सुनते सुनते उन्होंने बोला कि एक मिनट के लिए प्रेत आत्मा आएगी, दुष्ट आत्मा आएगी, और एक मिनट के लिए दुष्ट आत्मा आई और मेरे अंदर से निकल गई। और मैं हालेलुया 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 प्रभु ईसा मसीह की, प्रभु ईसा मसीह की। अब मैं आपके सामने अपने आप चलकर आई हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, जैसे आप चलकर आ रहे हो, जैसे पहले नहीं चला जाता था? नहीं, पहले चला नहीं जाता था, एक कदम भी नहीं चला जाता था, उठाई नहीं जाता था, इतने बड़े बड़े बिल्कुल नहीं चला जाता जी। तो ये बहुत ज्यादा बीमार हो गए परसों, तो इन्होंने 1:30 बजे में फोन किया, 12:30 में बठिंडे। आपका जो किडनी की क्या प्रॉब्लम है? किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, सांस नहीं आता था इसको। हाँ जी, सांस नहीं आता था, मेरे को पता नहीं सांस था, आने में भी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो मतलब एक कदम नहीं चला जाता था? नहीं। कब से? 6 महीनों से। 6 महीनों से। हाँ जी। तो फिर मतलब इधर उधर जाना आपको कैसे था? घर वाले उठाते थे, बिठाते थे, बाथरूम तक लेके जाते थे, वही मुझे ही नहलाते थे। अच्छा, घर वाले नहलाते थे? हाँ जी। खुद से नहाया नहीं जाता था? नहीं, बैठा भी नहीं जाता था, सिराने 4-5 रख के फिर पीछे कमर लगा के बैठती थी, नहीं लेटा जाता था, मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, और 4-5 सिराने पीछे लगाकर कमर लगाकर ऐसे बैठते थे, और घर वाले परिवार के लोग ही नहलाते थे। इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी पीड़ा, और दुष्ट आत्मा थी। मुझे याद है मंगलवार को जब लाइव प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने कहा था कि एक मिनट के लिए दुष्ट आत्मा प्रकट होगी। हाँ जी। तो उस समय क्या हुआ? दुष्ट आत्मा प्रकट हुई। हाँ जी। और मैंने कहा था कि एक मिनट के बाद वो निकल जाएगी। हाँ जी। और फिर निकल गई। हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। तो मंगलवार की लाइव जिंदगी थी चमत्कार चर्च टीवी पर, और मैं और हमारे लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने कहा, एकदम पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, जिन जिन के वो दुष्ट आत्मा प्रकट होगी, लेकिन रहेगी आधा एक मिनट, और जैसे फिर मैं प्रार्थना करूंगा वो निकल जाएगी। तो वो दुष्ट आत्मा वो प्रकट हुई उनमें, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल गए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। वो आपका सूजन हो जाती थी? हाँ जी। मतलब पूरी बॉडी, पैर, पांव, क्या इधर से लेके पैर तक बहुत सूजन होती थी, इतने बड़े बड़े पैर हो जाते थे, और इतने बड़े बड़े पैर हो जाते थे। हाँ जी, अभी भी है थोड़ी बहुत, हाँ, तो हाँ। लेकिन चल सकती हूँ प्रभु के नाम से, फिर पैरों में सूजन हो जाती है। वो बहन हाथ कर रही है, इतने बड़े बड़े पांव हो जाते थे, सूज जाते थे, चला भी नहीं जाता था। नहलाने के लिए परिवार के लोग नहलाते थे। कौन है चंगा करने वाला? प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।